अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो ट्रॉली में बैठ गए थे, हम लोग आए थे शॉपिंग के लिए इम्तियाज़। मेरा जो इब्राहिम है ना, वो तो हमेशा एक ही ज़िद लगाए बैठा होता है कि मैं ना शॉपिंग पे जाऊँ ना मुझे ग्रोसरी पे ले जाऊँ, और अगर चलता है तो मुझे पाँव दर्द होते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, इस बात समझ से बाहर है मेरे। बहरहाल हमने दोनों को बिठा दिया ट्रॉली में। यहाँ पर हम लोग आए थे अंदर, अंदर आके हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि मुझे केक वगैरह चाहिए। सबसे पहले हमने केक वगैरह ही ले लिए, डोनट वगैरह के। ये हमने यहाँ पर ये ब्रेड वगैरह भी थी ताज़ी, तो हमें ब्रेड वगैरह तो चाहिए ही नहीं थी। इब्राहिम ने डोनट का केक ले लिया और छोटे वाले ने प्लेन केक ले लिया। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए थोड़ा सा। ये अभी भी ये सोच रहे हैं चेंज करना नहीं करना। आगे की तरफ बढ़े तो हमें चाट वगैरह नज़र आई, जो कि हमें लेनी तो थी नहीं घर से, तो हम खाना खा के आए थे। यहाँ पर केक वगैरह था, यहाँ पे हमने केक वगैरह की प्राइस पूछी कि आप ऑर्डर पर बनाते हैं या नहीं। फिर इतने में याद आया कि जो बैग हमने बाहर जमा करवाया था, अंदर एंट्री नहीं थी बैग की किसी भी, उस बैग के अंदर मेरे दो सेल फोन थे और जैसे बच्चों के पापा का वॉलेट था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि हम वो बैग जो बाहर भूल के आ गए ना, उसमें सामान है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा आप लोग यहीं पर वेट करो, हम लोग यहाँ पर जैसे वेटिंग कर रहे थे। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड है ना मोबाइल वगैरह लेने गए थे। हम लोग सबको देख रहे थे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, इसी में टाइम पास हो रहा था हमारा। ये इस्माइल को तो नींदें आना शुरू हो गई थी। अपर पीछे की तरफ जो है फार्मेसी थी, फार्मेसी देख रहे थे। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए मोबाइल वगैरह लेके, वॉलेट वगैरह। फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर ट्रॉली हमने खड़ी रखी, जो सामान हमने लिया था उसी में रहने दिया। इब्राहिम को नीचे उतारा तो उसको सवाल कर रहे थे क्यों क्या किस लिए क्यों जाना है, मैं पैदल नहीं चलूँगा, ट्रॉली में चलूँगा, ETC, इसकी तो हर जगह मगजमारी होती है। बहरहाल इब्राहिम को नीचे उतारा, फिर इस्माइल को नीचे उतारा और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये अपने इसने पाँव फंसा दिए, इनकी तो हरकतें ऐसी होती, कहाँ पाँव फंसाते थे कहीं गिर जाते हैं, ये तो ऐसे ही हमारे दिन निकालते हैं। फिर छोटी बास्केट लेनी थी तो उसने कहा कि मैं बास्केट लूँगा, इस्माइल ने बास्केट वगैरह ले ली। और फिर हम लोग जो है लिफ्ट की तरफ जाने लगे। ये कह रहा था मैं ही पकड़ूँगा मैं ही उठाऊँगा। अरे भाई इसके अंदर किसी का सामान पड़ा हुआ है वो तो निकाल लेने दो। बहरहाल इसमें किटकैट पड़ी हुई थी, आई थिंक डेरी मिल्क पड़ी हुई थी, वो हमने निकाल के दूसरी ट्रॉली में डाल दी और हम लोग लिफ्ट की तरफ चले गए। लिफ्ट के पास गए तो लिफ्ट जो है वो फ़ौरन से आ ही चुकी थी और हम लोग अंदर चले गए। तो उसमें पहले से ऑलरेडी दो ट्रॉलियाँ फुल सामान से भरी हुई थी, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ मसला नहीं है जगह हो जाएगी, हम लोग इसके अंदर चले गए। फिर हमने जो है वो फर्स्ट फ्लोर प्रेस करा और फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। फर्स्ट फ्लोर पर हमें कुछ इतना खास लेना नहीं था, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर विंडो शॉपिंग पर आए हुए थे। ऐसे ही संडे था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ पर जाए। यहाँ पर आए तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आए ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन में क्रिकेट चल रहा था, तो आधा से ज़्यादा पब्लिक तो लोग क्रिकेट देखने में ही लगी हुई थी। और इब्राहिम इस्माइल की नज़र जो है ना फ्रूट जूस पे पड़ गई थी और ये बहुत ज़्यादा खट्टे थे तो हमने लिए ही नहीं। फिर मुझे चाहिए थे जॉनसन्स में शैम्पू, तो यहाँ पर इन्होंने जॉनसन्स की कैप खड़ी रखी हुई थी लेकिन उसमें जॉनसन्स था नहीं, लिक्विड था। यहाँ पर कॉफ़ी का स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है वो जैसे स्क्रू वगैरह और उसको कहते हैं वो मिल रहे थे। लेफ़्ट साइड पे जो था वो प्लास्टिक का सारा सामान था। हमें तो पता नहीं कहाँ जाना था, समझ तो आ रही नहीं थी, चलते जा रहे थे हम लोग भी। यहाँ पर सारा एनिमल वगैरह की एक्सेसरीज थी, बेल्ट वगैरह ये वो साइकिल वगैरह देख के इब्राहिम इस्माइल जो है वो हैरत से देखे ही जा रहे थे। फुटबॉल पर इब्राहिम के गुर्दे फेफड़े दिल सब आ गया था लेकिन फ़ुटबॉल इसको हमें दिलानी नहीं थी। ऑलरेडी 5 से 6 घर में फ़ुटबॉल है और अभी लास्ट वीक इनको लकी वन से भी फ़ुटबॉल निकली थी। यहाँ पे हमें स्कूल की एक्सेसरीज लेनी थी लेकिन बैग जो है ना थे अच्छे, इनकी क्लास के हिसाब से बहुत बड़े बड़े बैग थे तो हमने इनके बैग लिए नहीं। यहाँ पे हमें शैम्पू वगैरह की आइटम लेनी थी वो हमने ली, शैम्पू सोप वगैरह। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। हमें चाहिए था क्लिनिक प्लस जो हमें मिला नहीं। यहाँ पर हमें बॉडी लोशन मिल गया, ये हमने लिया जो हमारा ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम लोग आए इसके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, यहाँ पर था ये किचन वगैरह का सामान, लिक्विड लोशन वगैरह वगैरह ETC, ये हमने ले लिया। फिर इसके बाद हम लोग जा रहे थे जो मैं शुरू से ही ढूंढ रही थी, जॉनसन बेबी की सारी एसेसरीज। तो यहाँ से हमें सिर्फ शैम्पू ही लेना था और कुछ नहीं लेना था। इन्होंने पहले तो येलो जैसे था ना कि येलो वो शैम्पू, अब इन्होंने ब्लू बबल निकाला था, इसका नया लॉन्च करा था। फिर हमने ब्लू बबल ले लिया,
मिलू बबल लेने के बाद हम लोग जो है यहाँ से खड़े हो गए। ये बास्केट उठाने की हिम्मत कर रहा था लेकिन इसे उठ रही थी नहीं। फिर हम लोग चले गए जूस डिपार्टमेंट में। जूस डिपार्टमेंट में गए तो इन लोगों ने ज़िद लगाई हुई थी, हम पहले जूस लेंगे और उसको पियेंगे। फिर इन लोगों ने जूस वगैरह लिया, पहले तो सेलेक्ट कर रहे थे। इस्माइल ने पहले फ्रूटी का मिक्स फ्रूट लिया, फिर उसने रख दिया और कोई लिया। इस्माइल अभी डिसाइड ही कर रहा था। ये दोनों अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ करते हैं जो उनको करना होता है। ये अभी स्लाइस जूस ले रहा है, फिर रख देगा। फिर इनको शॉपिंग पे ले आओ ना, पहले तो ये आते नहीं, फिर आते हैं तो इतनी बेजा ज़िदें करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको स्कूल भेज के फिर मैं सुबह के वक्त ही अपने एरिया में ग्रोसरी स्टोर है ना, वहीं से ले लेती हूँ। ये चलो इब्राहिम भाई को अब मिल गया यहाँ पे कोकोनट वाटर। इसको कोकोनट वाटर इतना पसंद है कि ये बोलेगा जा कोकोनट वाटर और ना वहाँ खड़े रह के मेरे को पिला दो। बहरहाल इसके पापा ने कहा पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक ना माना, इसने ये कोकोनट वाटर ले भी लिया। हम लोग यहाँ पर जो ढूंढ रहे थे ना पाकोला के मिनी जूस ढूंढ रहे थे जो कि स्कूल वगैरह देने में काम आते हैं, वो हमें इस डिपार्टमेंट में मिल नहीं रहे थे। फिर हम लोग जो है ना वो सामने की लाइन में, इसके पापा ने कहा कि वहाँ के देखते हैं वहाँ पे शायद मिल जाए। तो हम लोग इस लाइन में आए ना तो यहाँ ओल्पर वगैरह की लाइन में हमें ये पाकोला के मिनी जूस मिल गए। हमने ये ले लिए। फिर मुझे चाहिए था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा ये दूध में डाल के रात के वक्त जैसे सोते हैं ना जब पीते हैं तो वो ख़त्म हो गया था। हमने यहाँ से रूह अफ़ज़ा लिया। फिर मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर है ना रूह अफ़ज़ा की न्यू अराइवल ग्रीन रूह अफ़ज़ा नज़र आया, वो लिया। फिर मुझे फांटा लेनी थी तो वो ली, क्योंकि हमारे एरिया में फांटा बोतल बहुत कम मिलती है लेकिन सम टाइम मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलती है। मिरिंडा मुझे इतनी पसंद नहीं है कोल्ड ड्रिंक में, लेकिन मैं फंटा थोड़ी जो है ना वो पसंद करती हूँ। हमने दो फंटा ले ली। इन लोगों ने जूस का यहीं पे ख़ात्मा कर दिया था, खाली बोतलें फिर हमने बास्केट में ही डाल दी क्योंकि जब वो बिल पे होगा तो उसमें देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम लोग जैसे खड़े हुए थे तो इब्राहिम कह रहा था कि मैं बास्केट उठाऊँगा। बहरहाल इससे बास्केट उठी नहीं, इसने अपने पूरी ट्राई कर ली, बास्केट इसने उठी नहीं, इसने पापा को दे दी। फिर हमें चाहिए थी कॉफ़ी क्योंकि सर्दियाँ आई नहीं हैं, लेकिन फिर भी कॉफ़ी लेनी है। यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह देख रहे थे तो फिर हमें यहाँ पे एक कॉफ़ी पसंद आ गई, वो हमने कॉफ़ी की बोतल नहीं ली क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है तो इतनी बड़ी बोतल मुझे चाहिए नहीं थी। छोटी बोतल हमें मिल रही नहीं थी, काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ वहाँ सर्च करने के बाद हमें छोटी बोतल मिल गई। यहाँ पर ये दोनों अपने डिस्कस में लगे हुए थे कि उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया था ना वो लोग चेकिंग कर रहे थे। ये देखो हमें मिल गई कॉफ़ी की छोटी बोतल। फिर हम लोग आए स्नैक वगैरह के डिपार्टमेंट में। यहाँ पर इब्राहिम ने तो शराफत से एक स्नैक्स उठा लिया, लेकिन इस्माइल जो है ना वो थोड़ी बड़ी चीज़ों पर हाथ रखता है तो इसने यहाँ से नहीं लिया। ये कह रहा था ये वाले चिटो, ये चिटोस थे, छोटा पैकेट जो था ना इसका था 450 का स्मॉल साइज़ का। जो भी हम लोग यहाँ पे स्नैक्स को हाथ लगा रहे थे वो सारे थे डबल प्राइस, इसकी प्राइस थी 445 और इसका जो सबसे बड़ा पैक था ना चिटोस का वो था 800 का। तो फिर सामने लिखा हुआ था कि ये सारे इम्पोर्टेड आइटम है। फिर इसके लेफ्ट हैंड पे हम लोग आए तो यहाँ पे सारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट था, वहीं डिस्काउंट के साथ 100 के 85, 60 के 45, 20 वाले के जो थे वो भी कम थे, 60 वाले के 40 थे। तो इस्माइल ने यहाँ से कार्नीस का पैक ले लिया। फिर हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़े। इस्माइल इब्राहिम ने जो है बहुत स्पाइसी स्नैक्स ले लिए थे, इसके लिए पानी लिया, इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, इसने पानी वानी पिया। फिर हम लोग आए वाटर बॉटल के डिपार्टमेंट में। बच्चों के लिए हमें बॉटल लेनी थी लेकिन बच्चों के लिए तो अच्छी नहीं थी, लेकिन ये मुझे ये अच्छा लगा दूध रखने के लिए जार, ये मैंने एक परचेज़ किया। इसके बाद मुझे एक जो कहते हैं ना दिल पे लग जाने वाली बॉटल, तो ये बॉटल मुझे इतनी पसंद आई, दिल गुर्दे फेफड़े सब इसी पर आ गए मेरे, तो मैंने एक ये बॉटल ली। क्योंकि ये दरवाज़ा जो होता है ना फ्रीज का उसमें वो वाली बॉटल रह लेके वो वाली बोतल जो है ना उसमें नहीं रह सकती है रॉ में, तो मैंने ये वाली बोतल ली। फिर इसके बाद हम लोग स्कूल के लिए चाहिए थी, स्कूल के लिए मुझे प्लास्टिक की नहीं चाहिए थी, स्टील की बॉडी में चाहिए थी। तो इनके पास थी तो सही लेकिन बड़ी थी, इनके हिसाब से छोटी नहीं थी। यहाँ पर सारा देखिए आप प्लास्टिक वगैरह का सामान था जो कि हमें लेना ही नहीं था, तो देखना भी फजूल था। यहाँ पर सारी कांच की क्रॉकरी वगैरह थी, इस डिपार्टमेंट में भी हमारा कोई काम नहीं था तो हम नहीं आए। फिर हम लोग जो है सामान लेके इसके जो सेकेंड फ्लोर पर चले गए, सेकेंड फ्लोर पे जहाँ पे हमने हमारी ट्रॉली रखी हुई थी ना वहाँ पे हमने हमारी ट्रॉली रखी, अपना सामान वगैरह रखा और हमें जाना था थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे हम लोग गए तो यहाँ पे हमें आइसक्रीम डिपार्टमेंट नज़र आ गया, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर हम लोग जो है इसके थर्ड फ्लोर की जानिब बढ़ गए और हम लोग थर्ड फ्लोर पर पहुँच गए। ये लिफ्ट में हम लोग बैठे और हम लोग थर्ड फ्लोर पर ज़्यादातर जो था वो आप देखें ये
कॉस्मेटिक वगैरह का सामान था तो हमें लेना वगैरह तो था नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो सर्वे कर लेते हैं। हमने थोड़े परफ्यूम वगैरह देखे, चेक करे, और यहाँ पर जो थी ज़्यादा लेडीज़ डिपार्टमेंट था, लेडीज़ का स्टाफ ही था ज़्यादातर, क्योंकि कॉस्मेटिक था तो लेडीज़ ही होंगी। हम लोग ये सारा सामान देख रहे थे, परफ्यूम वॉचेस वगैरह, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। नीचे के फ्लोर्स के मुकाबले में ऊपर जो एसी था ना वो फुल स्पीड में चल रहा था, क्योंकि ऊपर इतनी रश नहीं थी। यहाँ पे हमें मिल गया पीछे तो देखो वसीम बादामी का लाउंज हुआ हुआ। यहाँ पे हम लोग आ गए कपड़ों के डिपार्टमेंट में, सारा सर्दी का जो सामान था ना इन लोगों ने निकाला हुआ था, क्योंकि सर्दी आई नहीं है लेकिन सर्दी का सामान जो भरपूर आ गया था ये हमने देखा करा वगैरह। यहाँ पर रेडी टू गो कपड़े थे वो हमने देखे। यहाँ पर जो है मुझे सॉक्स अच्छे लगे, 199 में 4 पेयर, तो हमने जो है वो सॉक्स वगैरह का एक पेयर ले लिया। यहाँ पे टी शर्ट वगैरह थी जो कि मेरे बच्चों के साइज़ की थी ही नहीं तो मैंने नई ली। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के जो थे स्वेटर वगैरह थे, दो मुझे अच्छे लगे तो वो मैंने अपने एक है उनके लिए ले लिए। फिर इसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे की तरफ गए। यहाँ पर सारा जो था बच्चों के टॉय वगैरह का डिपार्टमेंट था, न्यू बॉर्न बेबी का सारा जो था डिपार्टमेंट था। यहाँ पे बॉर्न बेबी का सारा सामान था ना तो मुझे याद आया बच्चों के लिए हैंड की लेनी है। अभी मौसम चेंज होगा ना तो फ्लू वगैरह होगा इनको, तो जो दूसरे हैंड की देती हूँ ना उनसे इनको जैसे साफ़ करके नोज़ वगैरह रैशेस पड़ जाते, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना बच्चों के हैंड की मिल जाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के, तो मैंने यहाँ पर ढूँढे तो मुझे मिल गए, वो मैंने ले लिए। फिर हम लोग जैसे ये सारा बच्चों का सामान था हमारा तो कोई काम का था ही नहीं। इब्राहिम इस्माइल तो न्यू बॉर्न के शूज़ देख के इतना खुश हो रहे थे कि इतने छोटे छोटे शूज़ हैं, बहरहाल ये सारी चीज़ें देख रहे थे छोटी छोटी और हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे। फिर हम लोग लेडीज़ डिपार्टमेंट में आ गए। यहाँ पे हमें ना कैप नज़र आ गई, तो ये लोग जैसे कैप से मजाक मस्ती कर रहे थे। इस कैप की मैंने प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा 400। ये सारा लेडीज़ डिपार्टमेंट था और ऐसे ही हम लोग तो राउंड पर ही थे, कोई इतना ख़ास हमें शॉपिंग वगैरह करनी ही नहीं थी। ये देख रहे थे हम लोग टैग वगैरह लगे हुए थे इसमें। फिर इसके बाद हम लोग जो है ना वो पर्स वगैरह के डिपार्टमेंट में आ गए। यही फिर हम लोग है ना नीचे की तरफ जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सब देख ही लिया था। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह की सारी डिस्प्ले थी। नीचे आ गए हम लोग, नीचे आ गए हमें फ्रोजन चीज़ें लेनी थी स्कूल के लिए, एक नगेट्स वगैरह और एक प्लेन पराठे जो होते हैं वो हमने लिए। यहाँ पर ठंडक इतनी थी, ऑनर से इतनी ठंडक आ रही थी, शायद आपको नज़र भी आ रही हो, इतनी ठंडक आ रही थी दिल करा था बंदा यहीं बैठ जाए। फ्रीज था ना इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक आ रही थी। बराबर हमने दोनों चीज़ें ले ली और हम लोग बढ़ गए आगे की तरफ। हम लोग कब के निकले हुए थे तो भूख भी लग रही थी, सुबह नाश्ता करा था, इसके बाद लंच तो हमने करा ही नहीं था, यहीं पर ही आ गए थे। यहाँ पे हमने एक बर्गर लिया था और एक शवाना। फिर हम लोग बाहर आ गए बिल वगैरह देकर, तो बच्चों को फूड कोर्ट नज़र आ गए, और फूड कोर्ट जहाँ इनको नज़र आ जाता है ये लोग वहीं पर अपनी गाड़ी स्टॉप कर देते, बस अब हमने यहाँ से आगे निकला। फिर हमने दो फूड कोर्ट बनवाए थे, एक हमने बनवाया था बारबेक्यू फ्लेवर और एक हमने नॉर्मल, क्योंकि इब्राहिम जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता, स्मेल के लिए थोड़ा स्पाइसी लिया था। ये बना रहे थे तो हम इसको देख रहे थे, इतनी स्टीम यहाँ से आ रही थी, इतने दूर हमें लेकर भी ना हमें गर्मी का एहसास हो रहा था। ये लोग दोनों हाई हेलो कर रहे थे, इतनी मस्तियों में लगे हुए थे, इतनी देर में वो स्वीट कॉर्न रेडी हो रहे थे, बेचारे दोनों वेट कर रहे थे कब आए कब खाए। फिर ये स्वीट कॉर्न रेडी ही हो रहे थे, ये भाई ने उनके हाथ पे स्वीट कॉर्न जैसे कहा कि मैं पैक करके दूँ या आपको जैसे अभी खाने को, मैंने कहा मैंने पैक करके मिल दिया उनको, ये बाउल में ही ले लूँ, यहीं पर थोड़े लेके खा लेंगे, बाइक पर बैठ के खा लेंगे, जैसे इनको सूट। आई होप कि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
आपसे मिलेंगे दूसरे मुल्क में, जब तक के अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सी अमानिल्लाह।